थाना सरसागंज एसओजी सिविल लाइन टीम द्वारा 6 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 चोरी के ट्रैक्टर एवं स्कॉर्पियो, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं 1,52,000 रुपए नगद रुपए, देसी तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले का अनावरण एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, सीओ प्रवीण तिवारी के द्वारा किया गया। इन अभियुक्तों के नाम इस प्रकार है: लालू और अजय पुत्र रामगोपाल यादव निवासी पिलखतर जैत थाना फरिया जनपद फिरोजाबाद, दर्शन पुत्र ओम प्रकाश राजपूत निवासी बायपास रोड अवागढ़ थाने के पास थाना वागढ़ जनपद ईटा, रुखसार पुत्र अब्दुल रशीद निवासी सैथली थाना डिडौली जनपद अमरोहा, राजीव पुत्र सिजारुल निवासी सैथली थाना डिडौली जिला अमरोहा, मोहम्मद जकी उर्फ भूरा पुत्र नासर अली निवासी टिकिया फतेहपुर थाना डिडौली जिला अमरोहा, अफजाल पुत्र इकबाल निवासी सैथली थाना डिडौली जिला अमरोहा। इन 6 आरोपियों के साथ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा गया। फिरोजाबाद से नरेश ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जनपद की जो एसओजी टीम है और एसएचओ सिरसागंज, इनकी टीम यहाँ के जो सीओ हैं, सीओ सिरसागंज के निर्देशन में इन लोगों ने एक ट्रैक्टर चोर का एक बहुत ही बड़ा गैंग था जिसको इन लोगों ने वर्कआउट किया है। ये गैंग बेसिकली पिलखतर जैत गांव है फरिया, वहाँ से ऑपरेट होता है, जिसमें हम लोगों ने वहाँ के 3 शातिर अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार किया है, 2 अभी फरार हैं। जो अभी आपने देखा हुआ ये लालू है, लालू अरेस्टेड है, एक बबी और एक पुष्पेंद्र यादव, ये दोनों अभी फरार हैं। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे गैंग में से, 6 अभी फरार हैं। अभी दर्जन से ज़्यादा लोग इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व हैं। ये बेसिकली जनपद फिरोजाबाद और इसके आसपास के जनपदों से ट्रैक्टर चोरी करते थे और इसको लेकर के यहाँ से काफ़ी दूर, यानी अमरोहा या उधर से भी आगे जनपदों में इसको बेचते थे और उसे ये पैसा कमाते थे। इन लोगों से हम लोगों ने 3 ट्रैक्टर बरामद किए हैं, जिसमें से एक ट्रैक्टर दोहली कला, एक जसराना और एक गिरौड़ से चोरी की गई थी। बाकी और भी कुछ घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। जो बाकी फरार अभियुक्त हैं उनको जब हम अरेस्ट करेंगे तो उनसे हम बरामद करेंगे। इन लोगों की पोजीशन से 3 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, जिस गाड़ी को यूज करते थे ट्रैक्टर चोरी करके जब ले जाते थे तो उस रेकी करने में, 1 बाइक और 1 स्कॉर्पियो कार यूज करते थे। ये दोनों गाड़ियाँ भी हम लोगों ने बरामद की हैं। तो इस प्रकार 3 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बाइक बरामद की गई है। 6 लोग अरेस्ट हुए हैं और 6 फरार हैं। बाकी इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सब हथियार भी बरामद हुआ है क्या? इसमें से एक हथियार बरामद हुआ है और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं।